क्यों लगातार महंगा हो रहा है प्याज? पिछले एक महीने में प्याज लगातार महंगी हो रही है। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र जैसे व्यापार उत्पादक इलाकों में बाढ़ से इसकी सप्लाई पर असर पड़ा है। कुछ दिन पहले हुई बारिश से सप्लाई और घट गई है। इसके चलते प्याज के भाव दिल्ली और कई दूसरी जगहों पर 70 से 80 रुपये प्रति किलो पहुँच गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार को प्याज की कीमतों में तेजी की जानकारी है, सरकार इसे काबू में करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कई बार ग्राहकों को फल सब्जियों की ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ती है, जबकि कभी कभी किसानों को अपनी फसल की कम कीमत मिलती है। और इन्होंने बताया कि पिछली फसल का काफ़ी प्याज स्टॉक में रखा है, लेकिन भारी बारिश के कारण इसकी धुलाई नहीं हो पाई। मौसम विभाग के अनुसार प्रमुख प्याज उत्पादन क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हुई है, जिसके कारण वहाँ फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्याज के भाव इतनी तेज़ी से क्यों बढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।